एक न्यू ब्लॉग में। और आ तो भाई ठंड इतनी तेज पड़ रही है, बिल्कुल बाहर निकलने में मन ही नहीं कर रहा। मतलब बिल्कुल माहौल खराब है, सभी परेशान है। डांडा डोर नायन पक्षीन सभी परेशान है। और कल हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि राजा जी कहीं चले गए थे, वहां पर चले गए थे हमारे ससुराल जी को लेकर, पीपर गाँव में, नंद मोमिया के स्थान है वहां पर। तो झाड़ा दिलवाने के लिए चली गए, कल शनिवार था इसलिए। तो मेरे पास मोबाइल तय नहीं है और वीडियो नहीं बनाई कल, तो आज हमारी वीडियो भी नहीं आई होगी। आप लोगों ने इंतजार भी किया होगा, तो बने रहिए बिल्कुल हमारे माहौल साथ। खराब है, इसलिए पहले आप वीडियो मैंने कोट नहीं पहन रखता क्योंकि नहाई धोई करके गई थी, पर तैयार हो रही थी इसलिए। तो कोट फेर के पैक हो रहे हैं, इधर को देखो बिल्कुल पूरे गाय डोर भैंस सर्दी से परेशान हो रहे बेचारे। और अभी हम खेतों पर जा रहे हैं, मैं जीजी रहमा दीदी, अरे भी लेके आएंगे मैं स्टोर के लिए, और बड़ी ताबी हेलो लेके आएंगे। जी, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब लोग? तो गाइस, अब आज ऊपर आ गया हूँ मैं छत पे, और देखो आप मेरे ये गांव का सीन है। इधर पीछे दिख रहा होगा आपको, इधर मतलब एक तरह से बहुत अच्छा, ऊपर से अच्छा दिखाई देता है बिल्कुल। और इधर देखो चारों तरफ, मतलब दिखाता हूँ हरियाली आपको, हरियाली ये चारों तरफ से मतलब एकदम से बहुत गजब सीन आता है गांव से ऊपर का। और क्या है? यहाँ तो एक्चुअली क्या है गाइज, गांव है ना गाइज, ये मतलब एक जगह पे नहीं बसा हुआ है, ये मतलब ये पूरा गांव आप मानो या ना मानो 6 जगह पे बसा हुआ है। मतलब अभी 40-50 घर हमारे यहाँ पर है, ये फिर 40-50 इसके आगे हैं उधर, फिर 50-60 उसके आगे हैं, और उधर की साइड बना हुआ है उधर। मतलब यहाँ से जब मोरेल वर्षा ऋतु में मोरेल आती है ना, तो हम यहाँ से देख सकते हैं ऊपर से ऐसे कैसे मोरेल। और उधर 1.5-2 किलोमीटर उधर बनास है हमारे यहाँ से, तो मतलब बनास एक जगह पर बसा हुआ नहीं। पहले जैसे 1987 में जो बंदा फूटा था ना, तो उस वक्त क्या है, पहले तो वहीं रहते थे सभी एक जगह पूरा गांव, लेकिन जैसे ही बंदा फूटा था उस वक्त पानी ज़्यादा आ गया, घरों में घुस गया था पानी, तो मतलब वहाँ से निकल के और फिर सब अपने अपने खेतों पर आ गए। और अब तो सब आजकल तो वैसे भी लोग बा क्या, जनसंख्या जैसे जैसे वृद्धि होती रहती है, तो अपने आप गांव छोड़ के सब खेतों पर बनाने लग जाते हैं मकान। तो अब तो ज़्यादातर सब खेतों पर ही अब उधर उधर रोड की तरफ उधर बनने लग गए हैं अब ज़्यादातर। इधर मेन रोड पे आ गई जनता ज़्यादातर, गाँव में से भी आके अब रोड पर बनाने लग गए सब आजकल, मकान बनाते हैं बढ़िया। तो मतलब ये है, ऊपर से अच्छा व्यू दिखाई देता है हमारे यहाँ। और इधर ये सब्जी बेचने वाला है भैया, ये देख सकते हो आप। और मतलब ऊपर से तो एकदम झक दिखाई देता है एकदम से बढ़िया। उधर उक्का चल रहा है, ये उक्का पी रहे हैं, और तंबाकू हमारे पिताजी है जो तंबाकू काट रहे हैं। ये तंबाकू काट नहीं रहे, तंबाकू बांट रहे हैं, तो मतलब ऐसे हैं। लेकिन ऊपर से एकदम गजब, मुझे तो गांव का सीन बहुत अच्छा लगा ऊपर से। कल क्या, कल आपको हमारी वीडियो नहीं मिली थी, कल मैं उधर चला गया था पिताजी को लेके, उधर हिंडोन की तरफ है, हिंडोन से भी आगे है दादरेन के पास में है पीपर्रा गांव। तो वहां पर क्या है, नंद भूमिया का स्थान है, तो वहाँ लेके चला गया था पिताजी को, तो इसलिए कल शनिवार था ना इसलिए। और वहाँ पर 2-3 भाई भी मिले थे, तो उन्होंने बढ़िया व्यवहार किया हमारे साथ में, और अच्छा लगा उनसे भी मिलकर। और क्या, कल मतलब सुबह यहाँ से 8 बजे रवाना हुए, 8 बजे बोलेरो लेके, और 8 बजे के बाद में फिर 1-1.5 बजे के समथिंग हम वहाँ पहुँचे थे। और 1-1.5 बजे वहाँ पहुँचे, फिर आधा पौन घंटा वहाँ भी लगा, झाड़ा वाड़ा लगवाया, फिर उसके बाद में वहाँ से आए, तो मतलब शाम को आते आते यहाँ पर 6 ही बज गए हमें। मतलब कल तो टाइम मिला ही नहीं बिल्कुल भी, तो कल वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। लेकिन अब आपको रेगुलर मिलती रहेगी, और आप सभी लोग इतना प्यार बता रहे हो हमें, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक गेमिंग चैनल और बनाया है नया, मनीष आर गेमिंग के नाम से, तो जो अब हर किसी को तो कह नहीं सकते, लेकिन जो भी भाई पबजी में इंटरेस्ट रखता हो तो वो सपोर्ट करे हमें भी। और मनीषा भी खेलती है वहाँ पर, और शाम को गेम खेलते हैं हम, शाम को 7:30-8 बजे के समथिंग
खेलते हैं, पबजी लाइट खेलता हूँ मैं तो, और मनीषा भी पबजी लाइट ही खेलती है कभी कभी, तो मतलब अच्छा अच्छा गेम प्ले देखने को मिलेंगे आपको वहाँ पर भी। अभी नया ही चालू किया, लेकिन चालू करते आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार मतलब मिला उस पर, 1100 सब्सक्राइबर हो गए, मतलब चालू करते ही चैनल बनाए 3 दिन हुए और 1100 सब्सक्राइबर दे दिया आप सब लोगों ने, तो आप लोगों का इतना प्यार देखकर वास्तव में बहुत खुशी हुई मन को, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आप सभी को। बहन जी खेती पर झुकी हुई है, ये हमारे काचनी और जो है तो इसमें खाद दे रही है, जो बा रखे हैं भैंसों के लिए। इधर देखो ये पूरे बाड़े में मतलब इतनी जगह रखते हैं गांव में, तो भैंसों के लिए और उसके लिए। अम्मा खेत में भी दे दे खाद तो, हैं हम बा क्या बात है भाई, ये तो बैठे के डोला में दे रहा है, फिर तो ससुराल वाले मौज करेंगे सब। क्यों देख देख पॉल पट्टी दे दियो तो। और उधर मम्मी जी कहने का मतलब जी जी धार काट रही है भैंस की, ये देख सकते हो शाम को मतलब गाँव में एकदम से बहुत मज़ा आता है हमको, तो भाई गाँव का जीवन ही एकदम से बेस्ट है। सिटियों में तो क्या है कुछ नहीं, गाँव में जो भाईचारा है अभी तक बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है गाँव। दो दिन से तो सर्दी इतनी भयंकर पड़ रही है कि मत पूछो संसार, आप बिल्कुल भी एकदम से माहौल खराब है बिल्कुल एकदम, मतलब कल तो क्या है हवा का था, हवा ज़्यादा थी और आज मतलब ठंड ज़्यादा है, नीचे से एकदम से जैसे हिट मार दिया ना गर्मियों में, इसी तरह ठंड नीचे से हो रही आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है यार। तो सर्दी इतनी तेज पड़ रही है मतलब बहुत हद से ज्यादा, तो सभी दुब के रहे छुप के रहे रजाई गदलों में रहे तो बेस्ट रहेगा, वरना और ये आज कोरोना इसके लिए थोड़ी देर बाद में। शाम हो गई, नीचे खाना वाना बनाने की तैयारी चल रही है, तो देखते हैं मनीषा जी रोटी बनाने लग गई शायद, और अब खाना वाना खा पी के और जल्दी फ्री हो लेते हैं गाँव में, तो हम भी जल्दी फ्री होंगे, सर्दी का तो टाइम है आजकल, तो इसलिए बन गए आजकल तो आपकी शक्ल ही नहीं दिखती। बाजरे के नहीं लगाए, बाजरे की नहीं बनाई रोटी? नहीं। क्यों? मिर्ची की सब्जी इसलिए बाजरे की नहीं बनाई, सुबह ही बना ली बाजरे की। चलो खाना वाना खा के फिर जल्दी से खा ले, और इतने सारे पक्षी उड़ रहे हैं। देखो गाइस कितने सारे बुगले काड़े बुगले उड़ रहे, ये पीपड़ का पेड़ है इसमें बैठते ही, इनका घर है यहाँ पर। तो गाइस खाना वाना खा लिया और घर से रवाना होकर और अब खेतों पर आ गए। दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहते हैं, कोरोना है वो धीरे धीरे तीसरी बार तिबारा मतलब रफ्तार पकड़ रहा है, तो आप सभी से निवेदन है और आप भी जैसे शिक्षित वर्ग है, जो शिक्षित भाई बहन है या माताजी है पिताजी है कोई भी हो, तो वो मतलब सभी को ये चीज़ प्रेरित करे कि भाई मतलब आप कोरोना से बच के रहें, और कैसे बचना है कैसे नहीं बचना है तो मतलब उस पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि दोबारा से एकदम से दोबारा हड़कंप मचा हुआ है पब्लिक के अंदर, और दोबारा से फिर एक बार फिर पीछे चले जाएंगे हमें, अगर ये दोबारा से हावी हो गया हमारे ऊपर तो एक बार फिर पीछे चले जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि मतलब कोरोना से बच के रहें और सैनिटाइजर का उपयोग भी करें, मास्क ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाए रखें बिल्कुल, भाई मास्क को तो हटाया ही नहीं जाना चाहिए, कहीं भी जाएं आप बाहर जाएं तो पहले मास्क ले और फिर मास्क लेके और फिर साथ जावे, फिर मास्क का उपयोग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ज़्यादा क्या गाँव में मतलब पहले 2 बार आ चुकी कोरोना की लहर, 2 बार आ चुकी, तो मतलब लोगों का क्या विश्वास भी टूट गया कि कुछ नहीं इतनी बार आ गए हमको तो कुछ होया ही नहीं, फलाना डीका ऐसे, मतलब गांव में ज्यादा को बहुत से लोग होते हैं जो शिक्षित होते हैं वो तो समझते, और वो जो अनपढ़ लोग होते हैं जो ज्यादा समझते नहीं है, तो वो तो ऐसे सोचते हैं कि दो दो तीन तीन बार दो दो बार आ गए, क्या है कोरोना क्या है कोरोना,
कुछ भी नहीं है तो दो बार आ चुकी है भाई कोरोना की लहर, आपको पता ही है। और दो बार ऐसी बात नहीं, हम घायल भी हुए हैं, बुखार खांसी जुकाम तो सबको है। अगर खांसी जुकाम होता तो हम जाके बड़े हॉस्पिटल में जांच कराते, तुम्हारी जांच भी पॉजिटिव आती। तुम्हारा तो क्या, राजेश जी ने जो मतलब घर ही काटा बना दिया था 12-13 चीजों का, पूरे सामानों को मिक्स करके फिर मतलब उसका एक बोतल भर के रख दी, गाँव में भी बांटे। तो आप भी इनका प्रचार करें, क्योंकि भाई गाँव में क्या लोग जो समझते नहीं है ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बात करते कि कुछ नहीं दो दो बार आ गया, अरे तो इसे आई कोई बीमारी, कोई ताव बुखार की बीमारी, जिनका नाम कोरोना रख रहे। हकीकत में ये लहर खतरनाक लहर है, और मतलब कोई खे आप ज़्यादा समझे नहीं तो मतलब दूसरे अपने हित के लिए ही सही कहते हैं। तो उनकी बात पर ध्यान दरे और सुने बात को, और खुद की सुरक्षा खुद ही रखे, मास्क लगाए रखे, कहीं बाहर जाए जब बाजार में सामान लेने, आप जरूरी सामान लेने जाए जब, और सैनिटाइजर का भी उपयोग करें, मतलब खुद की सुरक्षा खुद करे और दूसरे की बात को भी सुने। मतलब इतने रोज इतने केस आ रहे, 50,000 केस आ रहे रोज के, और अब की बार तो मतलब ख़त्म भी हो रहे बहुत सारे लोग। तो ये लहर बहुत खतरनाक लहर बता रहे, पहले से हमारे क्या है यहाँ 2-3 डॉक्टर पास में यहाँ रहते जो भी बोलते हैं भाई पहले तो यहाँ ही इलाज हो गया था, अब की बार तो ये खतरनाक बता रहे, जो अब की बार तो यहाँ भी वो नहीं, मतलब यहाँ भी सही नहीं हो सकते जल्दी से पेशेंट। तो इसलिए प्लीज खुद की ध्यान रखें विशेष विशेष, और बच्चों को भी, उनको भी, उनकी भी सुरक्षा रखें। अपने बच्चों का सबसे ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे खेलने के उससे चले जाते हैं तो फिर मतलब बहुत बड़ा वो हो जाएगा, आप एक के चक्कर में सारे के सारे वो हो जाएंगे मतलब पॉजिटिव। तो बच्चों को भी अपने उसमें रखें अंटर में, और मतलब उनको ज़्यादा बाहर घूमने नहीं दे वर्तमान में, क्योंकि अभी टाइम ऐसा चल रहा है, तो इसको अपने को सोच समझ के और निकालना पड़ेगा। गाँव में तो क्या बहुत से बच्चे होते कि पापा पैसा नहीं करा हुआ इधर खेलने के बहाने से गाँव में कोई निकल जाते खेलने के लिए। ज़्यादातर गाँव के लोग विशेष ध्यान दे रहे, मतलब सिटियों में तो भाई आजकल छोटे छोटे बच्चे पढ़े लिखे शिक्षित है, मतलब छोटे छोटे बहुत समझदार होते। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। और सर्दी सर्दी बहुत भयंकर पड़ रही है, मतलब मुंह से बोलते हैं ना तो देख लो। और पता नहीं इनको तो लगती भी ज्यादा है, राजेश जी को सबसे ज्यादा सर्दी लगती मेरे है, मेरे को लगती है मेरे से ज्यादा तो था। मेरे को तो नहीं लगती, दो दो रजाइयां ओढ़ती है फिर भी बोलो सर्दी सर्दी। पता नहीं इनको, जब भी वीडियो में देखे हो आप, कभी भी देखो वीडियो में, बस आ तो सर्दी बहुत है, सर्दी के अलावा और कोई बात ही नहीं है इनके पास, बस बस इनको सर्दी सर्दी सूझती है, इसके अलावा और कुछ नहीं बस। सही, और क्या, हम तो कमजोर आदमी भाई, बस सर्दी और बीमारी दो चीज की इनके वो फिक्स है बस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सब लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, मनीषा आर गेमिंग है, पबजी मोबाइल उसमें पबजी का गेम प्ले डालते हैं हम, तो उस पर भी आपने वैसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आपसे पहले, क्योंकि एक सिर्फ 2-3 वीडियो डाली है 1100 सब्सक्राइबर हो गए उस पर, बस टाइम नहीं है अभी पूरा। तो धन्यवाद आप सभी को, और आज के लिए बस इतना ही।